सीधा पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पश्चिम बंगाल रुझानों में टीएमसी को बहुमत मिली है। तो ये बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोलकाता में जश्न मनाते टीएमसी समर्थक, तो ये सीधी तौर पर बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की अहम खबर, तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 292 सीटों के रुझान आ चुके हैं। टीएमसी 207 पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 81 सीटों पर टीएमसी से पीछे चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों कार्यकर्ताओं के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यानी ये तय हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में खेल हो चुका है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर दिखा दिया है न केवल बीजेपी को बल्कि कांग्रेस पार्टी को कि पश्चिम बंगाल में अकेली अगर कोई निर्माता है पश्चिम बंगाल के लिए तो वो खुद ममता बनर्जी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रुझानों में जिस तरह से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और उसका एक तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर मौजूद। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं, ये भी एक अलग खबर है। यहाँ पश्चिम बंगाल से सीधी खबर आ रही है, रुझानों में टीएमसी को बहुत मत मिली। तो लगातार सुबह से ही सभी की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी है। तो ऐसे में जहां एक तरफ बंगाल के रण में ममता बनर्जी ने कहा था कि खेला होवे, तो अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि खेला अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में दिखाई भी दे रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ये सीधे तौर पर आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जब पश्चिम बंगाल में रुझानों में टीएमसी को बहुमत मिली है। सही कहा साधना आपने, वाकई पश्चिम बंगाल में खेल हो चुका है। टीएमसी बहुमत की ओर बढ़ती हुई, बीजेपी मात्र 81 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो 4 सीटों पर आगे चल रही हैं। तो 207 का ये आंकड़ा बहुमत को छूता हुआ तृणमूल कांग्रेस का कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी में एक बार फिर सत्ता पर आसीन होने की ओर अग्रसर पश्चिम बंगाल में टीएमसी। हालांकि नंदीग्राम में शिवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच अभी भी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि अब ये सामने ये खबर कि ममता बनर्जी अब कुछ देर पहले शिवेंदु अधिकारी से कुछ मतों से आगे चल रही हैं और नंदीग्राम पर दोनों प्रत्याशियों की साख पर मेरे ख्याल है कि दांव पे लगी हुई एक तरह से, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहली बार जब लेफ्ट पार्टीज को धोया था या लेफ्ट पार्टीज को पश्चिम बंगाल से हटाया था तो सबसे पहले नंदीग्राम आंदोलन के जरिए ही टीएमसी के झंडे गाड़े गए थे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।